और मैंने ट्विटर पे की तरह देखी कुछ रूमर्स फैल रहे थे किसी चीज के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, एलविश यादव के स्नेक केस वाले एलिगेशन के ऊपर पूजा भट्ट का भी रिप्लाई आ चुका है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिग बॉस घर के अंदर भी एलविश यादव और पूजा भट्ट की बॉन्डिंग अच्छी थी और घर के बाहर भी बॉन्डिंग अच्छी है। सो यहाँ पर पूजा भट्ट का एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से एलविश यादव को सपोर्ट किया है और उन्होंने एलविश यादव के स्नेक केस वाले एलिगेशन पे क्या क्या कहा है उनको सपोर्ट करते हुए। आप लोग खुद सुनिए। पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज, लॉयर, एवरीथिंग इज हैपेंस इन द मीडिया बिफोर इट इवन गोज एनीवेयर। तो आई वुड जस्ट से दैट टाइम जो है इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल दीज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। और बुरे वक्त जो होते हैं, सपोजिटली बुरे वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस, इन्फेमी, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, वो हम सबको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो, और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर, वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना। बाकी गाइस, आप लोग यहाँ पर एलविश यादव और पूजा भट्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लव कटारिया के बारे में। तो सोशल मीडिया पर काफी सारे ऐसे व्यूमर्स फैल रहे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लव कटारिया बिग बॉस 17 में जाने वाले हैं। तो लव कटारिया अपने आज वाले व्लॉग में बिग बॉस के बारे में इनडायरेक्ट वे में बातें करते हुए क्या कहा है, आप लोग खुद सुनिए। और मैंने ट्विटर पे की तरह देखी कुछ रूमर्स फैल रहे थे किसी चीज के लिए। वो रूमर्स जो भी है, टाइम आने तो सब क्लियर होंगे, डोंट वरी अबाउट इट गाइस। मैंने पढ़ा था ट्विटर पे जिसने डाला था, डोंट वरी, सब कुछ देखता हूँ भाई, मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं नहीं, छोटे छोटा बड़े से बड़े क्रिएटर सब कुछ देखता, सब सोशल मीडिया चलाते हैं। जो सोशल मीडिया वाले बंदे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे, समझ रहे हो। डोंट वरी, मैं सब चीज़ों पर नज़र रखता हूँ और आई होप कि सब चीज़ें नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी बहुत जल्दी। सच्चाई का टाइम आएगा बेशक। बाकी गाइस, आप में से किन किन लोगों को लगता है कि लव कटारिया को बिग बॉस 17 के अंदर जाना चाहिए, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, आज के लिए बस इतने ही अपडेट थे, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।